हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट मैनेजमेंट का जो एग्जामिनेशन हुआ था 4 दिसंबर 2019 को। तो कल ये हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ था और उससे जुड़े हुए काफी सारे फीडबैक हमारे पास आ रही थी और काफी सारे फ्रेंड्स से, काफी सारे स्टूडेंट्स से जो बातें करी हमने, तो जो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाले हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए हैं जो कि हमें लगता है आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, वो आज इस छोटी सी वीडियो से हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा पेपर होगा उस पर कंप्लीट डिस्कशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ जाएगा। तो फिलहाल हम ओवरव्यू ले लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ से निकालनी है और क्या क्या लेसन हमें ड्रॉ करने हैं अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं, कुछ बातें ले सकते हैं जो कि हो सकता है आपको अपने एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हमने एक पोल किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे हमने आपसे पूछा था कि आपको आज का एग्जाम कैसा लगा। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसका आंसर दिया मॉडरेट। तो आप देख सकते हैं 64% ने कहा कि एग्जामिनेशन मॉडरेट लेवल का था, अराउंड 27% को हार्ड या फिर वेरी हार्ड में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था एग्जामिनेशन, ऐसा हम क्लियरली कह सकते हैं। देखिये, जो क्लियरली बात ये निकल कर आई कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कोई ट्विस्ट डाल दिया गया था, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट डाल दिया गया था जो कि आपको कंफ्यूज कर दे। और अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो पेपर आपको इजी लग रहा था, मॉडरेट तक लग रहा था, बट अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो पेपर आपके लिए बहुत हार्ड हो गया था। तो यहाँ पे इसीलिए मैं मानता हूं हमें ये मिक्स्ड रिएक्शन जो है देखने को मिले हैं। और इसके साथ साथ आप सबके बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया हमारे मटेरियल को लेकर। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे मटेरियल को पसंद किया और बहुत अच्छा लगा कि आपको इस मटेरियल का जो है फायदा मिला, आपको मटेरियल यूजफुल लगा अपनी प्रिपरेशन में, अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। हालांकि कई स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर टाइम ना होने की वजह से या फिर वर्किंग थे तो पूरा अच्छे से मटेरियल को नहीं पढ़ पाए, बट अगर वो पढ़ लेते तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर लेते। तो बिल्कुल आपको नेक्स्ट टाइम टाइम जो है प्रॉपर मैनेज करना है और एक भी चीज आपको नहीं छोड़नी है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो ये भी कुछ फीडबैक था और बहुत अच्छा लगा ये सभी मैसेजेस को पढ़कर, और उम्मीद करते हैं कि आपके रिजल्ट भी इतने ही अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमारा आपके साथ डिस्कशन हुआ उससे हमने टॉपिक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि जहां से सवाल पूछे गए थे और उन्हें समराइज करके आपके सामने यहाँ पे हमने डाल दिया। तो ये जो भी हमें आपसे फीडबैक मिला है उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे इसे सेग्रीगेट करके डाल दिया है। तो अगर बात करें मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और एथिक्स की, तो यहाँ पे एटीट्यूड के ऊपर एक सिंपल सवाल पूछा गया था, ग्रुप फॉर्मेशन के ऊपर सवाल था, एथिक्स के टाइप्स, थ्योरीज और उनके फिलोसोफर्स पे सवाल था, मैनेजमेंट की थ्योरीज पे सवाल थे, विसल ब्लोइंग पे सवाल था, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट के ऊपर भी सवाल था। इसके अलावा अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो वहां से सवाल थे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे हमें कोई सवाल देखने को नहीं मिला, ऐसा हमें जो फीडबैक है वो मिल रहा है, बट अगेन जब पेपर आएगा हो सकता है कोई बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के भी सवाल निकल कर आ जाए। देखिए, एचआरएम में जो हमें मेन फीडबैक मिला वो ये मिला कि यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, हमें पैराग्राफ दिया था, केस स्टडी दी थी, उसको हमें एनालाइज करके अपने आंसर्स देने थे। तो एक ये नई चीज थी जो कि देखने को मिली, ऐसा पहले हमें नहीं देखने को मिला था। तो ये एक जो है हमें नई चीज जो है ध्यान में रखनी है कि अगली बार ऐसे सवाल हमसे दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, और यही चीज को ध्यान में रख के हमें कुछ क्वेश्चंस की भी अगली बार के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा कैरियर प्लानिंग, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर, डेल्फी टेक्निक के ऊपर, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, उनके ऊपर भी सवाल हमें यहाँ पे देखने को मिले। इसके अलावा अगर अकाउंट्स और फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे रेशियो एनालिसिस के ऊपर सवाल था, और यहाँ पे भी जो मेन हमें जानने को मिला, जो सभी स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि सर एक वेरियंस एनालिसिस पे न्यूमेरिकल आ गया था जो कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल था और उसे सॉल्व करना था और उसके अराउंड काफी क्वेश्चंस बना रखे थे उसके अंदर। तो ये थोड़ी नई चीज देखने को मिली कि एक इतना बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पहली बार हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिला, तो ये कुछ नया था और हो सकता है फ्यूचर में भी हमें ऐसी चीजें देखने को मिल जाए। तो अगेन हमें अपनी प्रिपरेशन में अब ऐसी चीजों को भी लेकर चलना पड़ेगा। छोटे छोटे सवालों से हम जो है अपनी प्रिपरेशन को अब सीमित नहीं रख सकते, हमें थोड़ा आगे बढ़कर बड़े सवाल भी कुछ देखने जो है
पढ़ जाएंगे। अब मैं मानता हूं ये जरूरी भी है, क्योंकि इवेंचुअली आपने जो है प्रोफेसर बनना है, आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और जो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है आपने, वो तो सब्जेक्टिव सवाल भी पढ़ाने हैं, उनको तो पूरे बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाने हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो मेरे को लगता है बिल्कुल लॉजिकल है, और आपको भी इसकी नॉलेज होना बहुत लाजमी है, आपको ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो ये चीज भी अब से हमें ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा सीएपीएम मॉडल पे सवाल था, गोइंग कंसर्न का जो हमारा कंसेप्ट है अकाउंटिंग का उस पर सवाल था, डिविडेंड की जो थ्योरीज है हमारी उस पर सवाल था, नेट इनकम अप्रोच की आई थिंक अजम्पशंस पे सवाल था, फंड फ्लो स्टेटमेंट पे सवाल था, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पे और बजटिंग प्रोसेस पे, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे सवाल था, और कंबाइंड लीवरेज आई थिंक फॉर्मूला जो कि मुझे फीडबैक मिला कि फॉर्मूला इसका यहाँ पे पूछा गया था। चलिए इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड थ्योरीज और उनके जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने वो थ्योरीज दी हैं उसकी बात करी गई थी। इसके अलावा ईपीआरजी जो आपका फ्रेमवर्क है उसके बारे में सवाल था, और आपके जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंट्री डिसीजंस होते हैं, एंट्री मोड्स होते हैं, उसके ऊपर भी सवाल था। इसके अलावा अगर बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग की तो वहां पे रिटेलिंग के कंसेप्ट पे, रिटेल स्टोर्स के कंसेप्ट पे सवाल था, प्रमोशनल टूल्स में पब्लिक रिलेशंस पे भी सवाल था, और पर्सनल सेलिंग में भी सवाल था, सर्विस क्वालिटी गैप रूल्स के ऊपर सवाल था, एनसॉफ मेट्रिक्स के ऊपर भी सवाल था, ब्रांड री इन्फोर्समेंट के ऊपर सवाल था, क्वेस्ट एनालिसिस के ऊपर सवाल था, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कवर थे, डायरेक्ट मार्केटिंग और कस्टमर वैल्यू मॉडल, इन सब पे हमें सवाल जो है वो देखने को मिले। और इसके बाद है स्टेटिस्टिक्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च, तो यहाँ पे सैम्पलिंग से जुड़े हुए सवाल हमें देखने को मिले, सैम्पलिंग एरर से जुड़े हुए सवाल थे, क्यूइंग थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल था कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पे ये बेस्ड होती है, और उसके अलावा डीजेनरेसी जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो अराइज हो जाती है और उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं इस पे सवाल थे, काइजन के ऊपर सवाल था, और प्लांट लोकेशन को जो हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उस पे भी सवाल देखने को मिला। चलिए इसके अलावा इकोनॉमिक्स में से सवाल थोड़े कम देखने को मिले, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज जो थी उन पे सवाल देखने को मिला बेसिस ऑफ डिमांड पे, और जो हमारी इकोनॉमिक्स की और डिमांड की डेफिनेशंस हैं, ऑथर्स हैं, उनके ऊपर भी कुछ सवाल देखने को मिले। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, और इंडस्ट्रियल सिकनेस से जुड़े हुए सवाल देखने को यहाँ पे मिले। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका MIS जो था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS, और ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो कि आप अपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट से भी लिंक कर सकते हैं, तो वहां से कुछ सवाल जो थे वो देखने को मिले। तो ये हमारे को जो फीडबैक मिला कि यहाँ से हमें जो सवाल हैं वो देखने को मिले एग्जामिनेशन में, तो उसी फीडबैक के बेसिस पे हमने आपके लिए ये सेग्रीगेशन कर दिया है। और अच्छी बात यहाँ पे ये रही कि इनमें से काफी सारे जो टॉपिक्स हैं, काफी सारे कंसेप्ट्स हैं, क्लास में डिस्कस करे हुए थे, केवल उन्हें अप्लाई करके आपको अपने आंसर्स पे पहुंचना था। तो अगर आपने क्लासेस को अच्छे से किया होता और आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा होता, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए होते, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होते, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं आप एक सेफ स्कोर तक डेफिनेटली पहुंच जाते। चलिए जो बीत गया सो बीत गया, बट जरूरी है कि हम उसमें से कुछ लेसंस ड्रॉ कर लें ताकि जो आने वाला एग्जामिनेशन है उसमें कहीं हम ना अपने गोल से चूक जाएं। तो क्या क्या लेसंस जो कि मुझे लगा कि यहां से हमें ड्रॉ करने वाले जो हैं बन रहे हैं, तो यहां सबसे पहले मुझे लगा कि गॉन आर द डेज ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड सिंपल ऑप्शंस। अब वो जमाने गए जहां पे आपको सिंपल सवाल आएगा और सिंपल ऑप्शंस दे दी जाएंगी कि आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, डायरेक्ट सवाल दे दिया जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं बट बहुत कम हो गए हैं आज की डेट में। तो रट्टे लगाने से अब काम नहीं बनने वाला, जरूरत है कंसेप्चुअल नॉलेज की। आपको कंसेप्ट की बिल्कुल बारीकी से नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको उस कंसेप्ट को अप्लाई करना भी आना चाहिए। देखिए जनरली जब हम पढ़ रहे होते हैं, जनरली जब हम स्पेशली जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है कंसेप्चुअल नॉलेज तक ही जो है सीमित रह जाते हैं। कंसेप्ट नॉलेज हम एक्वायर कर लेते हैं और वही एक्वायर करने में हमारा बहुत टाइम लग जाता है, और एट द एंड हम कंसेप्चुअल नॉलेज तक पहुंच जाते हैं बट एप्लीकेशन पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारा हमेशा से छूट जाता है। तो आपको पढ़ाई करते वक्त ध्यान रखना है कि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो तो होनी ही चाहिए, बट उसके बाद आपको उस क्लैरिटी को आगे अप्लाई भी करना है सवालों में। तो जितने ज्यादा आप सवाल यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे पढ़ाई करने के बाद, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। और सवाल ध्यान रखें सिंपल सिंपल सवाल जो है अब नहीं आएंगे, और सवाल जो भी प्रैक्टिस करें वो बिल्कुल जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर बेस्ड हो तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा।
बट यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स अब बिल्कुल रेलिवेंट नहीं रहे. प्रीवियस ईयर पेपर्स बिल्कुल 100% यहाँ पे रेलिवेंट है. मैं मानता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी प्रिपरेशन का और प्रैक्टिस का. एक तो हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है प्रीवियस ईयर पेपर्स से. और साथ ही साथ हमें जो टॉपिक्स पहले पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स पे आगे सवाल देखने को मिल जाता है. अब उस टॉपिक पे सिंपल सवाल पहले पूछ लिया तो अब थोड़ा घुमा के सवाल पूछ लेंगे तो टॉपिक जो है वो रिपीट आगे भी हो जाते हैं. तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रीवियस ईयर पेपर कवर अप कर रहे हैं और उस जो कंसेप्ट है उस क्वेश्चन के बिहाइंड उसे आप कवर अप कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा. और साथ ही साथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी था क्योंकि आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना था. पढ़ने से काम नहीं चलना था जब तक आपने टेस्ट नहीं लगाए, आपने उस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं किया तब तक जो है काम आपका नहीं चलना था. तो प्रैक्टिस अगर आपने की थी तो आपका कॉन्फिडेंस हाई था और आपके लिए आसान हो रहा था कंसेप्ट को अप्लाई करके जो अपने करेक्ट आंसर पे पहुंचना. तो ये कुछ बातें हैं जो कि मुझे लगा यहाँ से हमें ड्रॉ करनी चाहिए और मुझे लगा आपसे मुझे शेयर करनी चाहिए. इसमें आपकी अगर कोई और राय है, आप कुछ और बात में से डिस्कस करना चाहते हैं तो जरूर मुझे आप कमेंट्स के थ्रू बताइएगा. और यहाँ बहुत एक कंटेंशियस टॉपिक जो रहता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ. सवाल हमसे बहुत ज्यादा आते हैं सर कट ऑफ क्या रहने वाली है और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कट ऑफ को बताना, स्पेशली इस स्टेज पे जब तक हमने पेपर भी एग्जैक्टली हाथ में अपने नहीं लिया और हमें मार्क्स भी एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्या लोगों के आ रहे हैं. तो यहाँ पे हम केवल यही करते हैं कि जो प्रीवियस कट ऑफ गई हैं उन्हीं को बेस मान लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे आपके लिए जून 2019 की कट ऑफ भी डाल दी है, दिसंबर 2018 की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पे डाल दी है. तो आप देख सकते हैं कि जून 2019 में जो जनरल है उसकी JRF की जो कट ऑफ थी वो 68% गई थी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नेट की कट ऑफ होती है आपकी वो जो है 60% गई थी. तो JRF 68 था और नेट जो था वो 60 था. और अगर इस पिछले की बात करें तो 62 था JRF और 54 था नेट. तो काफी ज्यादा बढ़ गई थी जून 2019 में. तो अगर आपका जो स्कोर है वो जून 2019 के भी ऊपर पहुंच रहा है तो मैं मानता हूं बहुत सेफ स्कोर है और आप काफी अच्छे चांसेस हैं एग्जाम को क्रैक करने के. बट अगर आपका दिसंबर और जून की जो कट ऑफ है उसके बीच में कहीं स्कोर लाई करता है तो आई थिंक यहां पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, थोड़ा जो चांसेस है वो थोड़े डाइसी हो जाते हैं. बट अगर आपका दिसंबर वाली कट ऑफ से भी कम जा रहा है स्कोर तो मैं मानता हूं बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आपका एग्जाम यहां पे क्रैक होगा. बट देन अगेन दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. जैसे जैसे मार्क्स पता चलेंगे वैसे वैसे हमें ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी. ये केवल एक अनुमान है, डेफिनेट जो बात होगी वो आपको बाद में ही पता चलेगी. तो अगेन पॉजिटिव रहना है हमने, रिजल्ट आपका जल्दी एक्सपेक्टेड है. वैसे तो एट द एंड ऑफ द मंथ है बट जनरली NTA पहले ही इसे रिलीज कर देता है और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं यही देखने को हमें मिलेगा. चलिए तो फ्रेंड्स, अगर आप UGC नेट मैनेजमेंट जून 2020 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और तो यहाँ पे आप हमारी हेल्प जो है ले सकते हैं. हमारे पास ढेर सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए हेल्प करने वाले हैं. हमारे पास फ्री समरी नोट्स हैं, स्नैपशॉट नोट्स हैं, जिनके साथ में MCQs भी दिए हैं, जिनको आप फ्रीली हमारी वेबसाइट हमारी ऐप पे अवेल कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स का कोर्स है जहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर अप किए हैं सिस्टमैटिक मैनर में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ. इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि स्ट्रिक्टली NTA के पैटर्न पे बेस्ड है. और साथ ही साथ हमारे वीडियो कोर्सेज भी हैं जिसमें आपको 100% कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है पेपर टू मैनेजमेंट की. और यहाँ पे हम इन कोर्सेज को रीओरिएंट करके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं. तो आप हमारे लिए कुछ दिन वेट कीजिए, आपको सारी डिटेल जो है कुछ दिनों में यहाँ पे मिल जाएगी. चलिए एट द एंड आपसे ऑल द बेस्ट ही कहना है, ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव. अगर आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली आप अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर करना. आपकी कोई क्वेरी है, आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं और कॉलिंग भी कर सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन जो है इस वीडियो का वहां पे भी आप अपनी बात रख सकते हैं. आपको लगता है सर ने कोई बात नहीं बताई, यहाँ पे कोई टॉपिक जो था एग्जाम में आया था वो सर ने नहीं बताया, तो वो सब जो बातें हैं अपना फीडबैक है डेफिनेटली आप इस वीडियो के थ्रू शेयर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा. और इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट www.avsd.co.in पे मिल जाएगी. बट फिलहाल आप वेट कीजिए, कुछ दिनों में हम जो अपने नए कोर्सेज हैं उन्हें लॉन्च करेंगे तभी आप उन्हें परचेज कीजिएगा. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर.